हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में रियल नंबर आपका जो है रियल नंबर है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 वो ही समाप्त कर दिए थे पिछले वीडियो में, और 1.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के एक क्वेश्चन और बताएंगे कि इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप लगाना है, नहीं लगेंगे तो आप पूछ सकते हैं, अवश्य बताया जाएगा। और इस क्वेश्चन को बताने के बाद आपकी एक्सरसाइज 1.4 चलेगी, उसमें के भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे कैसे कैसे हमको सॉल्व करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहे। तो देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, क्वेश्चन संख्या आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक में, देख लेना क्वेश्चन नंबर आपको दिया होगा, हमने तो यहाँ क्वेश्चन नंबर वो नहीं डाला है। आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है वो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ गए कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या। हमने बताया था इस प्रकार की संख्याएं जो आती हैं तो अपरिमेय तो है ही, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको परिमेय मान करके सॉल्व करना पड़ता है, फिर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, हमारा मानना गलत होता है, तब हम लिख देते हैं कि एक परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे यहाँ मान लें कि माना √7 एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, संख्या है, क्योंकि इन्होंने बताया कि सिद्ध कीजिए तो हम इसको अपरिमेय न मान करके हम परिमेय मान लेते हैं। और परिमेय के बारे में आपको रैशनल नंबर में हमने आपको बताया था कि वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यदि ये √7 एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि √7 = P/Q। अब यहाँ पर देखिएगा लिख सकते हैं क्योंकि क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कह रहे मतलब है क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और लिख दीजिएगा जब ये रूप आप पाए तो लिखेंगे चूंकि P/Q एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, और P/Q का उभयनिष्ठ मतलब P/Q के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो लिखेंगे और P/Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं। ये आपको अपनी भाषा लिख देना है, पी और क्यू एक पूर्णांक है आपका जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर P = √7 Q का, ठीक। और जो ये P = √7 × Q मिला है इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग है, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब वर्ग करेंगे तो ये आपका P² = 7 Q, ये समीकरण कौन सा हो गया फर्स्ट, ओके। अब यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि 7 जो है P² को विभाजित करता है, 7 चूंकि 7 P² को विभाजित करता है,
विभाजित करता है, इसलिए 7p को भी विभाजित करें। ओके, ये भाषा आप लिख देंगे। यहाँ पर है कि 7 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 7p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, ये बात इतनी आप लिख देंगे। अब पुनः माना पी इज इक्वल टू 7, वही भी एक ले लीजिएगा, चाहे ले लो के ले लो। माना पी इज इक्वल टू 7, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, पी इज इक्वल टू आपका क्या है 7 के, जहाँ के ए पूरा, क्या है पूरा। तो P का मान समीकरण फर्स्ट में आप पुट अप कर दीजिएगा, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। अब P के स्थान पर इसका मान आप डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 7q स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 49k स्क्वायर इज इक्वल टू 7q स्क्वायर। 7 से इसको आप विभाजित कर देंगे तो ये क्या आएगा, 7k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये समीकरण आपका कौन सा हो गया, ठीक है। बात यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने लिखा था सेम वैसे कंडीशन यहाँ लिखी, चूंकि 7q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 7q को भी विभाजित करें। ये भाषा आप लिख देंगे। अब बात ये आई है, समीकरण फर्स्ट में आपने लिखा है कि 7p को भी विभाजित करता है, सेकेंड से हमने निकाला कि 7q को भी विभाजित करता है, तो लिखेंगे चूंकि 7 आप लिख देंगे, चूंकि 7p व क्यू दोनों को विभाजित करता है। यहाँ पर या तो थोड़ा और लिख सकते थे, ये भाषा लिखने पहले लिखने समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से 7 जो है पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पी व क्यू एक पूर्णांक है और पी व क्यू के वैनिष्ठ गुणनफल 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है, और जबकि यहाँ पर पी व क्यू के गुणनखंड कौन मिले, दूसरे 7 मिले, क्या है 7 है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो बताया गया था परिमेय संख्या तो तभी हो सकती थी जब इस रूल्स को फॉलो कर, यहाँ पर आपका अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड मिल गया, दूसरा क्या मिला 7 मिल गया, तो इसका मतलब इसका जो आप माने थे वो इसके क्या है, विपरीत है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विभाजित करता है, जबकि पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं, जो हमारे मानने की प्रक्रिया क्या है, गलत है। हमारा मानना क्या है, जो हमारा मानना
करना चाहते, जो हमारा मानना क्या है गलत है। इसलिए आप सुन लीजिएगा, अंडर सेवन एक परमेय संख्या ना हो करके क्या है अपरमेय संख्या है। इसलिए या लिख दीजिएगा मानना गलत है या विरोधाभास के कारण आप लिख दो, इसलिए विरोधाभास के कारण अंडर रूट सेवन एक परमेय संख्या ना होकर परमेय संख्या न होकर एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। पूरी बात समझ गए? इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना था कि यहां पर जो दिया है आपका उसको कैसे हम साफ करेंगे। इस सारी चीजों को ध्यान दें। ओके, सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सेवन एक अपरमेय संख्या है तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, अंडर रूट सेवन एक परमेय संख्या है और यदि ये परमेय संख्या है तो इसको हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। क्यों आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात साफ लिखेंगे। पी वा क्यू एक पूर्णांक है और पी वा क्यू के उभयनिष्ठ पूर्णांकखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पी इज इक्वल टू अंडर रूट सेवन क्यू निकाले, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये प्राप्त। तो ये भाषा लिखेंगे क्योंकि सेवन पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए सेवन पी को भी विभाजित करेगा। ये लिखने के बाद फिर मानेंगे, माना पी इज इक्वल टू सेवन के, यहाँ पे एक क्या है पूर्णांक है, तो पी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में पी के स्थान पर मान डालेंगे तो ये 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के स्क्वायर हो जाएगा। 7 से इसको क्रॉस करिए तो 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, समीकरण क्या बन गया सेकंड बन गया। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 7 के स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये लिखने के बाद तब लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, देखिएगा यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कि 7 पी वाक्यू दोनों को विभाजित करता है जबकि पी वाक्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं, जो हमारा मानना गलत है। ठीक, इसलिए विरोधाभास के कारण अंडर रूट सेवन एक परमेय संख्या ना होकर के एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो खाली ये भाषा लिखना आपको आता हो, ये प्रक्रिया है आपको पता हो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपनी कॉपी पर इसके नोट्स बनाते रहिएगा और इसके शेष क्वेश्चंस जो बचे हैं हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज हम फिर आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन बताए इस एक्सरसाइज का, आप सारे क्वेश्चंस अपने आप लगाइएगा, जो नहीं लगेंगे उनको आप पूछ सकते हैं। आप देखिएगा अगली एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, अगली एक्सरसाइज 1.4 में देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। और ये सारी चीज़ों को यदि आप ध्यान देते हैं तो यही आपको बहुत ईजी लगेगी, सारे क्वेश्चन आप साफ कर सकते हैं। देखिए 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, खाली आपको हम दो ही क्वेश्चंस बताएंगे। तो देखिएगा 1.4 में एक्सरसाइज जो आपके दिए, यहाँ तो इस अभ्यास में आपका 1D 1C ऐसे करके दिया है, ABCD करके दिया गया है,
दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि ये शांत आवर्ती है या अशांत है। ठीक, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको हम बता रहे हैं और इसका तरीका भी आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन का पहला खंड आपका दिया है 17 बाई 8। बहुत सारे खंड इसमें दिए गए हैं, लगभग 10 आपको खंड हैं, इसमें से हम आपको ये खंड बता रहे हैं। इस खंड को आप विधिवत समझ लीजिएगा तो सारे खंड अपने आप लगा लें कि कब शांत होगा कब अशांत आवर्ती होगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 7/8, तो जो 8 दिया है इसका फैक्टर करना तुमको आता है, ये आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये आपका हो जाएगा 17/2। हमने इसके पिछले वीडियो में भी आपको बताया था 1.2 में कि यदि किसी प्रमेय संख्या का हर 2^m × 5^n के रूप का है तो वो प्रमेय संख्या शांत है, और यदि इस रूप का नहीं है तो वो प्रमेय संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ 17/2 दिया है, 5 तो नहीं, तो आप सोचेंगे कि 5 कैसे लाएं, तो यहाँ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ इसको किसी से नहीं तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते, नहीं कर सकते, और 1 जो होता है किसी की पावर 0 कर दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ चूंकि 5 नहीं है और हमें 5 लाना है तभी तो हम जान पाएंगे, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 17/2^3 × 5^0। और इस प्रमेय संख्या को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यदि इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो ये एक शांत है, ये प्रमेय संख्या क्या है, शांत है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दी गई परमेय संख्या का हर 2^m × 5^n के रूप में है इसलिए 17/1 परमेय संख्या 7 परमेय संख्या क्या है, शांत है। केवल यही तो आपको करना, इतना कैलकुलेशन कर दो, और यहाँ पर यह जो अंक 9 हो उसके लिए घात 0 लगा दो। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे कहाँ पर नहीं हो सकता है, इन दोनों की उपस्थिति में भी नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है इसके बारे में भी बताएंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, क्वेश्चन इसी में दिए गए हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं, उसके लिए देखिए क्या करना होगा। अगला क्वेश्चन 13/31 दिया है, नहीं 31/25 ये क्या ये शांत है, लंबी प्रक्रिया है तो इसको एलसीएम से आप इसको शांत कर सकते हैं। देखिए 5 × 30, 5 × 10 = 50, 25, 5 × 10 = 50, देखते जाइए 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 5 × 5 = 5 × 5 × 5 × 5, ये भी हमारा हो जाएगा 13/5। आप देखिए यहाँ पर 2^3 और यहाँ पर आपको 5/5 मिला, ठीक, दिमाग लगाना है, तो यहाँ कौन नहीं है, 2 नहीं है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2 पावर 0 × 5 पावर 5, यानी 2 और 5 ये दोनों होना अनिवार्य है, समझ गए। अब देखिएगा यही रूप आपको मिल गया नहीं मिल गया, तो ये कैसी परिमेय संख्या है? 7 परिमेय संख्या। ओके, यदि इनके अलावा इनके साथ में कोई दूसरी संख्या भी लग जाती है, सपोज करिए कि जैसे ये 13/2 पावर 0 या नहीं है, या होता 2^3 × 5^3 × 3^3। अब समझिएगा क्या ये इस प्रकार की कोई संख्या होगी वो परिमेय होगी, वो शांत होगी? नहीं होगी, ये अशांत आवर्ती होगी। हमने बताया इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी अगली संख्या नहीं होनी चाहिए, पूरी बात समझ गए। तो ये यदि इस रूप में आ जाएगी तो ये अशांत में हो जाएगी, इसके साथ में 3 आ जाए या आपका 7 आ जाए, कोई अदर कोई आपका आ जाता है तो आप वो शांत नहीं हो सकती है, केवल इसके हर में 2 और 5 होने चाहिए। जो हमने बताया कि किसी भी परिमेय संख्या के हर को हम 2^m × 5^n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वह संख्या शांत होगी, और जिनको इस रूप में केवल नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो वो अशांत आवर्ती में जाए। ओके, केवल आपको सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिएगा, फिर हिंदी लिख दो, इसको सॉल्व किए हिंदी लिख दो, फैक्टर नहीं आते एलसीएम पद से आप फैक्टर निकाल लीजिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन के सारे खंड आप हल कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने जो दिया है, इन्होंने तो ये लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उनको दशमलव प्रसार में लिखिए, और दशमलव प्रसार में लिखना भाई आप भाग करोगे तो लंबी प्रक्रिया है, समझ गए। यानी इसी को देखिएगा या इसको लेकर के चलिएगा, देखिएगा पुनः हम बताते हैं इसी को, ये भाषा तो आपको ऐसे हल करना होगा और हल करके ऐसे लिखना होगा, ठीक, और इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है तो कैसे हम हल करेंगे देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हमने शांत करना प्रारंभ किया, करते करते यहाँ तक चले, और इसको हमने बताया कि ये शांत है, अब ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। चूंकि 5/0 तो आप कर सकते हैं लेकिन इसको दशमलव में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अब यहाँ पर 5 भी होना चाहिए, दशमलव भी बदलना है, और यहाँ घात देखिए 2^3 है, तो हम बहुत आसानी से हमने बताया इसको 2^3 × 1 लिख सकते हैं, तो इसका एक दूसरा रूप भी हम कर सकते हैं 17/2 और यहाँ पर भी 5/3 और 5/3 सेम इसका हमको काट, ये आप समझ लीजिए जितनी घात है उतनी घात से 5 को अंश और हर दोनों का गुणा, समझ गए, यानी सहगुणी गुणा हम जैसे बोलते हैं ये कार्य हम इसका कर दे तो हम इसको दशमलव में बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ 2^3 था, 5 नहीं था, इसलिए 5/3 से हमने क्या कर दिया, अंश का भी और हर का भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 50 × 25 × 125 यानी 125, और इसको हम क्या करेंगे 2 × 5/3, चूँकि यहाँ घात इसकी समान है और घात समान है तो यहाँ पर देखिए इसका भी गुणा कर लो 17/85 हासिल आया 17 × 34 = 42 हो जाएगा, 17 × 17 = 21 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10^3 यानी ये आपका 10^3 है तो 10^1000 की जितनी घात हो उतनी 0 बढ़ा दो, और ये तीनों 0 काट करके 3 के बाद दशमलव लगा दो, 2.125 आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमें भाग नहीं करना पड़ा, हम इसको ऐसे हल कर लेंगे, ये देख लेंगे ये शांत है, यदि शांत है तो इसको हम क्या करेंगे
इस रूप में इसका सिग्मी गुणा करके इस रूप में लाएंगे, फिर जितने ही घात है एक के आगे उतने जीरो बढ़ा कर देंगे और वे सभी जीरो को हम काट करके उतने अंकों के बाद ऊपर हम दशमलव लगा देंगे। अब इसको आप भाग करके देखें तो देखिए यही है, एक से इसको हम भाग करते हैं तो आठ दूनी सोलह, यहाँ कितना बचा एक, दशमलव लगाओ जीरो, फिर देखिए आठ इक्का आठ, फिर कितना हुआ दो जीरो, आठ दूनी सोलह चार जीरो, आठ पंचे चार, वही मिला नहीं मिला। तो हम भाग न करें, हम इस रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं और इस प्रकार से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें देखिएगा, ये तो हमने आपको इसमें किसके लिए बताया, अब इसमें देखिएगा टू की पावर थ्री था फाइव नहीं था, इसमें वही प्रक्रिया है, इसमें फाइव है लेकिन टू नहीं है, तो हमने बताया इसको वन हम कर सकते हैं और वन कर लिए तो किसी भी संख्या में जैसे यहाँ पर हमने सही में पूरा किया, इसको काटेंगे तो आएगा तो एक ही, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ फाइव पावर फाइव है टू नहीं है तो दोनों को टू की पावर फाइव से हम सही में पूरा कर देंगे और ये आपका हो जाएगा थर्टीन इंटू दो का गुणा हम कितनी बार करेंगे पांच बार, तो दो दुने चार, चार दुने आठ, चार दिया बारह, सॉरी दो दुने चार गुणा करते जाइएगा पांच बार, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो दो दुने चार दुने आठ दुने सोलह और दूना बत्तीस यानी थर्टी टू, और ये आप ऐसे लिख दीजिए फाइव इंटू टू पावर फाइव। ओके, ये कार्य करने के बाद इसका तो पूरा करेंगे तेरह दुना छब्बीस, तेरह दिया उनतालीस, दो कितना हो जाएगा इकतालीस, और ये पाँच दूनी दस यानी दस के हाथ पाँच हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं चार सौ सोलह बटे एक, लिखो कितनी घात है पाँच, एक दो तीन चार पाँच, अब ये पाँच जीरो आप कैसे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच यानी आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर वन सिक्स। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो सीधे आप ऐसा रूप में यदि शांत है तो हमने बताया यहाँ फाइव पावर फाइव था लेकिन टू नहीं था तो यहाँ पर टू की पावर फाइव से आप सही में उड़ा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इतना ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें आपको बताया। तो 1.3 एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस आपको लगाना है, 1.4 के भी आपको क्वेश्चन हल करना है, या तो वो शांत पूछेगा कि शांत है या अशांत आवर्ती है, और यदि ये शांत है तो दशमलव में व्यक्त करिए, तो दोनों हमने स्थितियां आपको बता दी हैं, तो इस एक्सरसाइज को भी आप इसको साथ। ओके,